FAR1 का ये सुपर पाइप्स वाला सवाल कल हमने कंक्लूड कर ही लिया था, मतलब मैंने बता तो दिया था कि क्या करना है, लेकिन जरा वहीं से बात दोबारा उठाते हैं। दो तीन चीजें हैं जिनको फिर मजीद अच्छे तरीके से कंक्लूड कर लें। एंड पे भी बच्चों के क्वेश्चंस थे और होने भी चाहिए थे, लेकिन मैंने इनको यही कह दिया था कि आप लोगों के भी सवालों के जवाब आ जाएंगे। तो इतना सवाल मैंने नोट कर लिया जितनी बात हमने कल की थी। सिचुएशन यहां पर खड़ी थी कि हमने 31 दिसंबर 2019 वाली बुक वैल्यू को, यानी 1 जनवरी 2020 का मतलब इसी का ही होता है ना, 31 दिसंबर 2019 या 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 ना कर दूँ, बल्कि वहाँ पे मैंने डेट वही लिखी हुई है, 1 जनवरी 2020, ठीक है ना। इस बुक वैल्यू को हमने कंपेयर किया रिकवरेबल अमाउंट से। पहली बात तो ये कि रिकवरेबल अमाउंट यही क्यों आ गई, तो अगर रिकवरेबल अमाउंट की बात करें तो वो क्या होती है जी, इज हायर ऑफ नंबर वन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो कि सवाल में गिवन नहीं थी, सवाल में गिवन नहीं थी। एक ये सवाल भी था एक बच्चे का क्लास के बाद, मैंने उसको कहा था ठीक है जरा याद करवाना वो सवाल दोबारा। क्या सवाल था जी? नहीं, आपका सवाल ये था, वो वाला पहले सवाल ये था कि 2000 जो रेजिडुअल वैल्यू है, 2000 जो रेजिडुअल वैल्यू है, सवाल कहता है कि ये रेजिडुअल वैल्यू जो है ये पूरी लाइफ में नहीं बदलनी है, तो क्यों ना हम यहाँ पर इस फेयर वैल्यू को 2000 लिख लें। तो भाई उसका जवाब ये है कि रेजिडुअल वैल्यू क्या है, वो एक एस्टीमेट है जो लाइफ के स्टार्ट पे खड़े होकर लगाया था हमने कि एसेट की लाइफ के एंड पे हमें मिलेगा और उसे डेप्रिसिएशन में यूज करते हैं। लेकिन ये लाइफ का एंड नहीं हो गया इस दिन या इस 31 दिसंबर 2019 से 1 जनवरी 2020, ठीक है ये ले लें डेट, या 30 जून 2020 जिस दिन आप, बल्कि 30 जून 2020 की बात कर लें, 30 जून 2020 पे इसकी लाइफ का एंड नहीं हो गया कि आप 2000 को इसकी फेयर वैल्यू कह लें। 2000 की फेयर वैल्यू नहीं है, 2000 रेजिडुअल वैल्यू है जो लाइफ के एंड पे मिलना है, ठीक है। तो वो फेयर वैल्यू नहीं कह सकते कि जी आज अगर बेचने जाए इस एसेट को तो 2000 मिलेगा, नहीं भाई आज तो अभी ये एसेट चलती फिरती हालत में है, तो लाइफ के एंड पे 2000 मिलना था, इसलिए इस 2000 को कंफ्यूज नहीं करना था। कुछ बच्चे कर रहे थे कल कंफ्यूज, ठीक है, लेकिन क्लास का टाइम खत्म हो गया था, ठीक है। 2000 की जो रेजिडुअल वैल्यू है, 2000 की जो रेजिडुअल वैल्यू है वो मतलब लाइफ के एंड पे मिलने वाली अमाउंट, और वो एक एस्टीमेट होता है और लाइफ के स्टार्ट पे लगाया जाता है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए उसको बस कंसिडर करना होता है। क्लियर है ये बात? इसलिए फेयर वैल्यू हमें गिवन सवाल में नहीं थी। दूसरी चीज होती है जी वैल्यू इन यूज, ये वैल्यू इन यूज हमने इस तरह से निकाल ली थी, ये कैश लो सवाल ने कहे थे कि आएंगे, ठीक है। अब ये देखें लाइफ के एंड पर ये 2000 का आना हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कैश लोस को अगर आप डिस्काउंट करें, क्योंकि सवाल में क्या कहा था जी, ये इंजीनियर्स खड़े हैं, इंजीनियर्स यहां खड़े होकर कह रहे हैं, काफी सारे थे ना, ये इंजीनियर्स यहां पे खड़े हैं और यहां पे खड़े होकर ये कह रहे हैं द प्लांट वॉज रेडी फॉर यूज ऑन 30 जून, जून ऊपर चला गया ना, यहां लिख लेता हूं जून 30, 2020। इंजीनियर्स कह रहे हैं जी ये जिस दिन ये रेडी हो गया दोबारा से इस्तेमाल के लिए, एट दैट टाइम यानी 30 जून 2020 कंपनीज इंजीनियर्स एडवाइज्ड दैट द प्लांट कुड बी यूज्ड एट अ रिड्यूस्ड लेवल ऑफ 3 इयर्स ओनली, यानी 30 जून 2020 पे खड़े होकर वो कह रहे हैं ये सारे लोग कि 3 साल इसकी जिंदगी बाकी है, कौन सी, 21, 22, 23। अच्छा ये तो पता है ना आपको, टैक्स चेक्स आपने पढ़ रखा है, जो साल 1 जुलाई 2020 को शुरू होकर 30 जून 2021 में खत्म हो उसे 21 वाला साल कह सकते हैं, जैसे टैक्स ईयर 21, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसको खात्मे के एतबार से 21, 22, 23 कह दिया। अच्छा तो इंजीनियर्स ने कहा इस दिन खड़े होकर कि इस एसेट की लाइफ अब 3 साल बाकी है, ठीक है, इसीलिए हमने ये 3 साल के कैश फ्लो लिखे, और इस दिन जिस दिन ये खड़े होकर कह रहे हैं इसकी हमने वैल्यू इन प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, वैल्यू इन यूज, ठीक है। अब वैल्यू इन यूज कितनी है जी, 19226, ठीक है। अब दोनों में से क्या हायर है बोलो, तो ये 19226 ही हमारी क्या बन गई थी, रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है जी, ओके। अब ये रिकवरेबल अमाउंट जो है इसको हमने कंपेयर किया बुक वैल्यू से, जैसे हमेशा करते थे, ठीक है, लेकिन जाते जाते एंड पे एक प्रॉब्लम सामने आई थी, ठीक है, उस प्रॉब्लम को बता के भेजा था लेकिन चूंकि करवाया नहीं था, ठीक है, दूसरी क्लास में, फिर इसलिए इसको यहां पर एंड किया, उनको कहा ये बस ऐसे ही है जरा सोचना और करना, ठीक है, ट्राई किया होगा आप लोगों ने। प्रॉब्लम इज ये बुक वैल्यू 1 जनवरी 2020 की है और ये प्रेजेंट वैल्यू 1 जुलाई 2020 की है, ठीक है, क्या ये दोनों लाइक विद लाइक हैं? हमने लाइक विद लाइक को तो कंपेयर ही नहीं किया, बात समझ गए, इसका मतलब इस दिन तो हम इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते, ये तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू तो है ही 1 जुलाई 2020 की, ठीक है ना। अब दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर वन प्रेजेंट वैल्यू को भी उठाकर इधर ले आओ, और ऑप्शन नंबर टू बुक वैल्यू को उठाकर इधर ले जाओ,
क्या कर सकते हैं? देखो देखो ध्यान से बात सुनो, एसेट रेडी टू यूज इस दिन होकर यूज होना शुरू होगा, तो ये कैश लॉस इस दिन के बाद आना शुरू होंगे। ये कैश लॉस तो इधर के हैं ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपको वैल्यू इन यूज को वापस 6 महीने मजीद डिस्काउंट करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन रह गया एक, वो क्या है? एसेट को मजीद 6 महीने डेप्रिशिएट करो और डेप्रिशिएट करके उसे ले जाओ 30 जून 20 पर, और फिर 30 जून 20 की बुक वैल्यू को 30 जून 20 की रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपेयर कर लो। ये रिकवरेबल अमाउंट किस दिन की है जी? ये रिकवरेबल अमाउंट किस दिन की है? 30 जून 20 की। क्यों है भाई? क्योंकि ये वैल्यू यूज भी किस दिन की है? 30 जून 20 की। फेयर वैल्यू तो है नहीं हमारे पास सवाल में, नहीं है तो अच्छी बात है। वैल्यू इन यूज ना हो, सिर्फ फेयर वैल्यू हो और वैल्यू इन यूज ना हो तो फेयर वैल्यू इज रिकवरेबल अमाउंट। सिर्फ रिकवरेबल अमाउंट हो, ये वैल्यू इन यूज हो, फेयर वैल्यू ना हो तो ये वैल्यू इन यूज हमारी रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है ना। ये तो सादा सी बात है, सर ने इसको भी लिखा हुआ ऐसे। एनीवेज एक आधा एमसीक्यू भी बना हुआ है इस बात पे। किस बात पे? सवाल में लिखा हुआ है कि जी अगर वैल्यू इन यूज नहीं है और सिर्फ फेयर वैल्यू गिवन है तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? फेयर वैल्यू। फिर अगर फेयर वैल्यू नहीं गिवन, वैल्यू इन यूज सिर्फ गिवन है तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? चलो ये एमसीक्यू भी तैयार हो गया। अच्छा अब दो हो गए, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है जी? इधर वापस ले आए इसको या एसेट को ले जाएं आगे। मैंने कहा इसको तो वापस ला नहीं सकते, अब एसेट को 6 महीने डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। अब जरा कहानी में ट्विस्ट आता है, वो दूसरा सवाल इस बच्चे का था जो मैंने कहा था कल क्लास के अंदर सबको जवाब देंगे, ठीक है। ये काम तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या हो गया? ये तो गड़बड़ होगी। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू यकम जुलाई, ये यकम जनवरी 20 की है और रिवाइज बुक वैल्यू यानी रिकवरेबल अमाउंट यकम ये 30 जून 20 की है, ठीक है। तो अभी लाइक विद लाइक नहीं है, इसको वैल्यू एंड यूज को वापस ले नहीं जा सकते, तो फिर एसेट को 6 महीने आगे ले आए। क्लियर? प्यार है? बोले ये कल वाला काम जिसको मैंने एंड पे काटा था दोबारा कर दिया, ठीक है। अब ये काम हो नहीं सकता, ये काम हो नहीं सकता, मिटा रहा हूं अब इसको, ठीक है, सही है। आपने क्या करना है, जहां नोट किया हुआ है इधर से एक लाइन सीधी रखनी है, वर्किंग नहीं दोबारा नहीं करनी, प्लीज ये याद रहे ताकि, ठीक है। इन दोनों को ऐसे काट देना लाइनों को, और यहां पर लिखना है, यहां पर क्या लिखना है? रिकवरेबल अमाउंट के साथ स्टार लगा के लिखना है आपने। ये तो 30 जून 20 की है और बुक वैल्यू में भी स्टार लगा हुआ है, और ये यकम जनवरी 20 की है। लिखो 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 लिखो, रिवाइज ये जो लिखा हुआ है ना इसको ऐसे काटना है, ऐसे करके, ठीक है। फिर बस ये दो लाइनें आपने बीच में वर्किंग के कंसिडर नहीं करनी, लेकिन लिख ही रहे हैं, बिल्कुल गायब नहीं करना, इसको लिखना है कि हम ये कर गए हम, लेकिन इसको पूरी लाइन ऐसे लगानी है एंड तक। मैं नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने तो ये मिटाकर यहां पर सही वाला लिखना है, ठीक है। बल्कि मैं भी ऐसे ही कर लेता हूं, क्या हो गया? तो मैं लिखवाता हूं। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट नजर आ रही होगी, स्टार लग गया, इसके ऊपर क्या लिखा आपने? ये तो 30 जून 20 की वैल्यू है बोलो, और बुक वैल्यू पे स्टार, दो स्टार लगा लो और उसी के साथ डबल स्टार पे लिखो, और ये यकम जनवरी 20 की है, ठीक है। यहां समझाया, ये यकम जनवरी 20 की है 26571, ठीक है, और ये 30 जून 20 की है 19226, ठीक है ना। तो फिर लाइक विद लाइक तो कंपेयर नहीं ना हो रहे थे, अब हमारे पास क्या हल बचा? हम इस 26571 को मजीद 6 महीने डेप्रिशिएट कर लें, ठीक है। अब आपने ऐसे काट दिया और लिख लिया, मैं मिटा दूं जरा, मिटा रहा हूं। ओके, नाउ हाँ लिख लो आगे, जो अपनी अंग्रेजी अपनी जो मर्जी लिखते रहो आगे, लिख लो बेशक, ठीक है। अब लाइक विद लाइक का तो कंपैरिजन ये है नहीं, ठीक है। अब क्या करें जी, इस एसेट को भी लेकर आए 30 जून 20 पर, यानी मजीद डेप्रिशिएट करें, तो एक ही बार कर लेते हैं। मसला क्या है? मसला यह है कि एस्टीमेट में चेंज आ रहा है। अब आपके दिलों के अंदर बात यह आ रही है कि एस्टीमेट का चेंज तो स्टार्ट ऑफ द ईयर लेकर जाना चाहिए, ठीक है, लेकर जाना चाहिए। आईकैप के सारे सॉल्यूशंस के अंदर ऐसे ही अब हो रहा है, बात समझ रहे हो। अब सॉल्यूशन थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट बनेगा, ठीक है, लेकिन हम अपने उसूल के साथ स्टिक करेंगे। यहां पर क्या हुआ? यहां पर यह हुआ है कि हमने यकम जनवरी 20 से ऑनवर्ड्स एस्टीमेट चेंज को लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा जेहन के अंदर बात यह बैठी हुई हमारे, वो सही बैठी हुई है कि जब एस्टीमेट में चेंज आता है तो हम स्टार्ट ऑफ द ईयर पे लेकर जाते हैं। उसकी वजह आपको यह बताई गई थी कि चूंकि ये कोई ऐसे मतलब एकदम से होने वाला काम नहीं है कि लाइफ बदल गई, ये रातों रात हो गया, या रातों रात हो गया तो वैल्यू बदल गई, ये तो काफी अरसा इस्तेमाल की वजह से गड़बड़ हुई होती है। लेकिन यहां पर तो ये केस नहीं था, क्या यहां पे ये रातों रात नहीं मसला बना? बोलो, एकदम से हादसा हुआ, ब्रेक डाउन हुआ एसेट,
ब्रेक डाउन होने की वजह से लाइफ के अंदर चेंज आया। ओरिजिनल लाइफ कितनी होती थी, कितनी थी 15 साल, असल में लाइफ थी 15 साल, ठीक है। यकम जुलाई 11 से ये जनवरी 11 से चला था, ठीक है। 30 जून 15 तक 4.5 साल, फिर 30 जून 19 तक 4, कितने साल गुजर गए थे, 8.5 साल गुजर गए, 8.5 गुजर गए थे इस दिन तक, ठीक है। और मजीद 6 महीने गुजारो, पूरे 9 साल गुजर गए थे, रिमेनिंग कितने थे, 6 रिमेनिंग थे, 6, लेकिन इंजीनियर्स क्या कह रहे हैं, सिर्फ 3 रह गए हैं। क्या ये रातों रात नहीं हुआ? तो ये एक एक्सेप्शन थी उस केस की, हम इसको स्टार्ट ऑफ द ईयर पे नहीं ला सकते थे, ये बात समझे हो, स्टार्ट ऑफ द ईयर पे इसको क्यों नहीं ला सकते, बात समझ रहे हो। देखो यूजफुल लाइफ में सिर्फ चेंज आना, खामोशी से लिखा हुआ है यूजफुल लाइफ बदल गई, उसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, यानी इंपेयरमेंट का नाम तो तभी आया ना जब कोई इंटरनल एक्सटर्नल इंडिकेटर आता है, ये एक इंटरनल इंडिकेटर है, हादसा पेश आया, एक्सीडेंट हुआ, ब्रेकडाउन। अब इस हादसे की वजह से लाइफ कम हो रही है ना, रिपेयर के बाद इंजीनियर कह रहे हैं जी अब ये तो 3 साल ही चलेगा, तो ये तो भाई फिर ऐसा ही मामला था कि ये एस्टीमेट चेंज इसी दिन ही बन रहा था, ये गड़बड़ इसी दिन ही हुई है, ये फोर्थ नाइट, ये वो क्या कहते हैं ना, रातों रात मसला हुआ है ये वाला, ठीक है ना। तो नॉर्मल अजम्पशन क्या है, जो कि बिल्कुल ठीक है, हमेशा ऐसे ही करेंगे, ये तो एक्सेप्शनल केस था ना, इंपेयरमेंट के साथ ये मामला हो गया, दरमियान में रख के इंपेयरमेंट हुई और एस्टीमेट चेंज हुआ, और पड़ा भी ईयर के दरमियान में, इससे मुझे सिचुएशन बन नहीं सकती थी, ठीक है ना, लेकिन पता तो होना चाहिए ना हर बात का, आप समझ रहे हो। अब अगर सिर्फ लिखा होता यूजफुल लाइफ बदल गई है ईयर एंड पे, इंपेयरमेंट ना हुई होती तो हम क्या कहते, हम 30 जून 20 से क्या कहते भाई, इसको यकम जुलाई 19 से ही करो, क्योंकि ये लाइफ को ऐसे थोड़ी रातों रात बदल गई होगी, इस्तेमाल नहीं किया होगा सही तरह से, तो आहिस्ता आहिस्ता लाइफ बदली है, तो इसको ऑपरेटिव करो साल के पहले दिन से। असल में ना स्टैंडर्ड ये रिक्वायर करता है कि जो आपने एसेट रखा हुआ है ना अपने पास, हर ईयर एंड पे उसकी यूजफुल लाइफ को रिव्यू करते रहा करो, कि कोई चेंज इन एस्टीमेट तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये अकाउंटेंट्स करें ना करें, लेकिन स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, कि हर ईयर एंड पे वो देखते हैं, हाँ भाई ठीक है एसेट 10 साल सोचा था, 5 साल गुजर गए हैं, 5 और चल जाएगा, हाँ ठीक है ओके जा रहा है। अगर ना हो ये ओके, 5 से 6 हो गया है या 5 से 3 हो गया है, तो चेंज इन एस्टीमेट कहलाता है, उसकी अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, लाइफ ईयर एंड पे खड़े होकर देखते हैं एसेट को, ऐसे देखते हैं कहते हैं नहीं ये नहीं चलेगा, 5 साल मजीद 3 साल चलेगा, या देख कहते हैं वाह वाह बड़ा जबरदस्त खड़ा हुआ एसेट, ये तो 7 साल चलेगा। Now, this is change in estimate, जो कि नॉर्मली होता है, और वो रातों रात वाला मामला नहीं है कि एकदम से लाइफ बढ़ गई या कम हो गई, तो हम साल के पहले दिन से उसको रिज्यूम, क्योंकि पिछले साल के एंड पे तो हमने वैसे ही रिव्यू की होती है लाइफ, तो इस साल के एंड पे जब रिव्यू करते हैं तो अगर चेंज हो तो साल के पहले दिन से उसको इफेक्टिव कर लेते हैं। ये है नॉर्मल, ये क्या है जी नॉर्मल। अब ये अबनॉर्मैलिटी थी, ठीक है, यकम जनवरी 20 पे एक हादसा हुआ, उस हादसे की वजह से 3 साल जिंदगी रह गई है। तो अब इधर देखो, इंजीनियर्स क्या कह रहे हैं, इस दिन खड़े हुए क्या कह रहे हैं, 3 साल बाकी हैं। मैं मान रहा हूं ये 3 साल इस दिन बाकी है ना, तो हम इस ब्रेकडाउन की डेट तक इसको लेकर फिर भी आएंगे, ठीक है। अब बात जरा समझना, बड़े ध्यान से समझना, सबकी तवज्जो अब फुल फ्लैज वाली चाहिए। पहले ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई कि इसको हमने यकम जुलाई 19 पर लेकर नहीं जाना, नहीं जाना, बोलो समझ आती है, क्यों नहीं लेकर जाना इसको यकम जुलाई 19 पर, क्योंकि ये रातों रात वाला मामला हुआ है, ये रातों रात वाला मामला, ये यकम जुलाई 19 पे बेहतरीन चल रहा था, ये हादसा हुआ है जिस वजह से ये गड़बड़ हुई है। वो कह रहे हैं कि अब वो कितने बचे थे, 6 साल बचे थे, 6 नहीं 3 ही रह गए अब, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, एक तो इसको यहां पर लेकर नहीं जाना, अब वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, एसेट को इस दिन से इस दिन तक तो हम नॉर्मल डेप्रिशिएट करके ला चुके हैं, अब एसेट यहां मौजूद है और इसको 6 महीने के एंड पे लेकर जाना है, ऐसे ही है, यानी ये 45,000 पुराना ही है, बोलो यही लेंगे, नहीं एस्टीमेट में चेंज आया है। अब इंजीनियर ने इस दिन खड़े होकर ये कहा है, लेकिन हम तो इसको लेकर जाएंगे यकम जनवरी 20 तक, ठीक है ना। इसका मतलब चेंज इन एस्टीमेट के दिन की बुक वैल्यू 26,571, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे ही रहा 2000 डिवाइडेड बाय, नाउ रिमेनिंग लाइफ इज द बिग क्वेश्चन मार्क। रिमेनिंग लाइफ कितने बच्चे कहते हैं कि 3 साल है, हाथ खड़ा करें, 3 साल मेरे जैसे, 3 साल ऊंचा हाथ खड़ा करें, ये काम क्यों है, मैंने पूछ लिया इसलिए डर रहे हैं, पर्चे में कितनों ने 3 लिखा, वो ज्यादा हो गया ना, ठीक है। अच्छा अब देखो, आप कहते हो कि लाइफ 3 साल है रिमेनिंग, मैं कह रहा हूं एस्टीमेट में चेंज आया तो इस दिन है जो उतार रहे हैं, इफेक्टिव करना है इसको साल के, या उस इवेंट के दिन पे लेकर जाना है, तो जब यहां पर लेकर जाते हैं तो यहां तो 3 साल नहीं, अगर यहां पर खड़े होकर आप लाइफ 3 साल रिमेनिंग कहते हैं तो फिर इंजीनियर के मुताबिक तो यहां पर रुक जाएगा। इंजीनियर ने इस दिन खड़े होकर नहीं कहा था कि 3 साल इसकी जिंदगी बाकी है, वो तो सही सही होकर जब चल पड़ा, इस दिन जब रेडी टू चल हो गया, इन्होंने कहा अब ये 3 साल चलेगा, तो इसका मतलब यहां पर लेकर आए तो फिर तो 3.5 साल बनते थे ना, ठीक है, नहीं 10.5 नहीं लगा, नहीं चेंज तो आ गया ना, चेंज आया है यहां पर,
चेंज आ गया, लेकिन इसको लेकर जाएंगे जितना पीछे जा सकें, या कम पे क्यों नहीं लेकर गए, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि किस वजह से चेंज आया, जिस वजह से चेंज आया उस दिन तक लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग लाइफ जो है वो 3.5 ईयर्स आपने लेनी है। ठीक है, वो अलग बात है कि जब आप इंपेयर करोगे उसके बाद ऑनवर्ड्स फिर आप 3 साल ही लोगे, वो इंजीनियर वाली बात आ जाएगी, लेकिन फिलहाल इंपेयरमेंट तक लेकर तो जाओ उसको। तो ये चेंज इन एस्टीमेट का ट्विस्ट था इसमें, लेकिन 6/12 आपको पता करना ही पड़ता है। ठीक है जी, और 5932 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 6/12 3510684 ही आता है। ठीक है जी, अब देखो ये बुक वैल्यू किस दिन पे खड़ी है, June 20 पे, और ये वैल्यू इन यूज यानी रिकवरेबल अमाउंट किस दिन पे है। अब लाइक विद लाइक का कंपैरिजन हो सकता है, बात समझे हो, बाकी सारी बातें समझ आ जाती हैं, बस ये थोड़ी सी हाजमे में तंगी दे जाती है, लेकिन इसके लिए आपको बताया जी माजरत के साथ, यहां पे 3 साल रिमेनिंग वो कह रहे हैं, यानी उनको यूं कहना चाहिए था एक्सीडेंट होते ही अगर वो कहते लो जी आप ये 6 साल नहीं चलेगा 3.5 साल चलेगा, ये मतलब था, तो 6 महीने सही करते करते लगा दिए, और फिर मतलब देखो ना डेप्रिसिएशन को रोक नहीं ना सकते, डेप्रिसिएशन ने तो रुकना नहीं, आपको बताया था जब अवेलेबल हो यूज हो गया, जब तक डीरेकग्नाइज ना कर दो हम डेप्रिसिएशन को नहीं रोकना, डेप्रिसिएशन को रोकना नहीं है तो डेप्रिसिएशन तो होना ही होना है। अब डेप्रिसिएशन ने होना है तो क्यों हम 10-10.5 साल क्यों लें, जबकि 10.5 साल तो रहा ही नहीं, इस दिन हादसा आया तो हादसे के दिन पर लेकर आए तो वो 3.5 साल रहते थे, उसके बाद लाइफ ही 6 महीने बाद फिर 3 साल रह जाने। ठीक है ना, तो फिर इसको अब कंपेयर करो, अब अपना काम आ गया, वो लाइन लगी हुई ना आपकी, हाँ बस वो लगी रहनी चाहिए। ओके जी, तो 30 June 20 पर एक लाइन खाली छोड़कर, अब देखो देखो वही काम वैसे ही करना है, रिवाइज की जगह खाली छोड़कर यहां पे आपने बुक वैल्यू ही लिखना है। ठीक है, बुक वैल्यू लिखना है, और अगर अगर 23 से ज्यादा अमाउंट इधर पड़ी है, देखो 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 अगर 23 से ज्यादा ये पड़ी है, ये बताया था ना आपको उधर एक और सेट पता नहीं कि किस सवाल में, तो एज इट इज 23 लिख लोगे और देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस। ओके, बात समझे हो, ये तरीका सिखाया, जो यहां पे नहीं लिखना लेना भाई, ये नहीं है सवाल में। ओके, रिकवरेबल अमाउंट आपकी होती 25,000, लेट्स से यहां पे फिगर आती 25,000, अब वो बुक वैल्यू से ज्यादा है, इंपेयरमेंट नहीं आना, इंपेयरमेंट नहीं आना तो भाई पुराने एसेट पुरानी बुक वैल्यू पे रहना है ना, और भाई जाग जा दीगर। ठीक है, इंपेयरमेंट ने नहीं आना तो वही उठाकर इधर लिख लेनी, ये बात की थी मैंने पहले क्लास में, पर मसला ये है ये जबानी देखोगे। ठीक है, पहले आपने देखा 23 पे पड़ा एसेट, रिकवरेबल अमाउंट को चाती मारी, अगर वो 25 है, अगर वो 25 है तो चुप करके यहां पर ये लिख दोगे, यहां पे 0 लिखोगे, एग्जामिनर को पता लग जाएगा इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया है इसमें, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया है और बुक वैल्यू ही लिखी हुई है, रिकवरेबल अमाउंट नहीं लिखी इसमें। ओके, सही है, लेकिन हमारे सवाल के अंदर ऐसा नहीं था, हमारे सवाल में तो बुक वैल्यू 19226 होनी चाहिए, यानी एसेट को उठाकर इधर ले आओ, यानी एसेट को ले आओ रिकवरेबल अमाउंट पे, यानी रिवाइज कर लो बुक वैल्यू को, तो 38335 का आ गया हमें रिवैल्यूएशन लॉस, बताया था सॉरी इंपेयरमेंट लॉस, और ये बताया था आपको सवाल में इंपेयरमेंट लॉस हो और पहले को सरप्लस पड़ा हो तो सेम ट्रीटमेंट कर देना है जैसे आपने रिवैल्यूएशन लॉस आने पर किया था, तो 38335 बाकी क्या बच गया, इधर कुछ भी नहीं गया, ये भी किसी सवाल में हमारे साथ नहीं हुआ था, तो इस सवाल में 2 नई चीजें भी रखी थी इस मुसीबत के अलावा, लॉस का सबसे पहले आना नहीं, वो किधर है, अच्छा वो दूसरे सवाल में, ठीक है, बहरहाल ये ऐसे हमारे सवाल में नहीं होता था, हम इतना सरप्लस लाते थे कि लॉस खा जाता था, इतना लॉस लाते थे कि सरप्लस, ताकि मैक्सिमम वाली मुश्किल एंट्री करें, हमने मुश्किल मैक्सिमम वाली मुश्किल एंट्री सीखी हुई है, लेकिन अब जब आसान वाली आती है बच्चे कहते हैं इसकी एंट्री क्या होगी, मतलब यहां पर आता लॉस 6,000 तो वो 5,000 को भी खाता 1,000 भी आता, हम एंट्री पास करते रिवेन्यू सरप्लस डेबिट, इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट लॉस में डेबिट और एसेट क्रेडिट, अब ऐसा नहीं हुआ तो एंट्री क्या बन रही है, सिर्फ रिवेन्यू सरप्लस डेबिट एसेट क्रेडिट या एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, तीसरा कुछ हो ही नहीं रहा, रिटेन अर्निंग नहीं भाई, रिटेन अर्निंग कहां से आ गई, ठीक है भाई सही है, कितना आ गया 1250, यहां पे कुछ भी नहीं गया। ठीक है, अब ये एंट्री आसान है लेकिन बच्चों को मुश्किल लग रही होती है, डोंट नो व्हाई। ठीक है, अब देखो इधर तुम्हें आया समझ, किससे पूछा, किससे पिछला से पूछ रहे हो, तुम मुझे बताओ यार, नहीं समझ आया फिर समझा देता हूं, बोलो साथ वाले से समझ आया तुम्हें यार, तुम बता दो उसको, तुम्हें समझ आ गया तो फिर ये नहीं पूछेगा यार, सवाल पूछने तुमने दलेरी से पूछा करो यार, किसी को समझ आ गया तुम्हें नहीं आया तुम्हारा मसला तो है ना, सो पूछो सवाल, आ गई समझ तो फिर उससे क्यों कन्फर्म कर रहे हो, देखो भाई किसी को समझ आ जाए आप ये पूछकर सवाल उससे ना करना,
कि यार उसको समझ नहीं आई तब मैं करता हूँ, नहीं आपका आपका मसला, जब तक आपको समझ नहीं आई तो किसी को भी समझ नहीं आई, छोड़ो इस बात, अपना पूछो, तुम्हें समझ आ गई, उससे क्यों पूछ रहे थे फिर। अच्छा मुझे कहना चाह रहा था, लगी समझ अच्छा लग समझी। अच्छा जी आप एंट्रीज इससे आगे करनी थी, ओके मैं एंट्री जहां कर दूं, कोई चमक शमक तो नहीं पड़ रही कैमरे वालों को। अच्छा जी पहली एंट्री रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 1500 से, ये यहां पर नहीं होनी थी वर्किंग में, ठीक है। दूसरी एंट्री, ये दूसरी एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 20, ऐसे नहीं 19 नंबर थे इसके। तीसरी एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये पूरा लिखना है अपने पर्चे में, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 494 से, फिर डेप्शन दोबारा आई, थर्ड फोर्थ एंट्री डेप्शन दोबारा आई, डेप्रिसिएशन डेबिट, पूरे साल की डेप्शन लेते तो कुछ डिफरेंट फिगर होती, डिफरेंट फिगर होगी अलग अलग की, उसकी वजह यह है कि ब्रेकडाउन के बाद एस्टीमेट बदल गया, तो 6 महीने पहले एस्टीमेट और था, 6 महीने बाद और, साल के शुरू में इसलिए लेकर जा सके क्योंकि ये एक एबनॉर्मैलिटी थी जो कभी कभी पर्चे में आ जाती है, पर्चे में ही आई अल्हम्दुलिल्लाह, आपके क्लास में सब नॉर्मल चला, आई के बच्चे में एबनॉर्मैलिटी आ गई, तो तैयारी एबनॉर्मैलिटी के लिए कर लेते हैं हम, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मली पेपर में नॉर्मल ही चीजें आती हैं, इंशाल्लाह सही होगा जी। 3510 RSRE क्या होता है भाई, तुमने बोलने में भी कंजूसी कर रहे हो यार, बोलने में तो कंजूसी ना करो, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट RSRE, नवी जबान आ गई RSRE 840। उसके बाद ये देखें नंबर 6 एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 3835 से और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस लिख लो चाहे प्लांट लिख लो, जैसे यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख रहे हो माइनस प्लांट में से कर रहे हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख रहे हो माइनस प्लांट से कर रहे हो, मतलब एक्यूमुलेटेशन का बढ़ना प्लांट की कमी ही तो है, ऐसे ही यहां पर लिख एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस रहे हो लेकिन माइनस प्लांट से कर दो, ठीक है ना, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, डेट लिखना जरूरी तो नहीं है क्योंकि उसने ये नहीं कहा था सवाल के अंदर, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020, लेकिन अगर आप लिखना चाहो ना डेट्स तो सिर्फ इस पे कंफ्यूजन आती है ये किस दिन करें, तो भाई जिस दिन रिपेयर कंप्लीट होगी उस दिन कर लो, तुम कर लो कि हमने मिस्त्रियों को पैसे, मिस्त्री जो आए सही करने हैं, ठीक है उनको, इलेक्ट्रीशियनों को मैकेनिकों को मिस्त्रियों को पैसे कब देने हैं, जब ये सही हो जाना है, तो आप बेशक ये एंट्री 30 जून, नहीं आप अज्यूम कर लो, फिर जब हो जाए तो उसको वापस भी करना, मैं नॉर्मल अजम्पशन ले रहा हूं, तुम अब नॉर्मल 30 जून 2000 पहले आप एडवांस बुक करोगे फिर जब हो जाएगा फिर उसको खत्म करोगे, क्या जरूरत है यार, बस ठीक है अज्यूम ही करना है ना, ठीक है आप हो गए शुरू में आ गए इसको एंड पे कर लो भाई, मसला क्या, डेट लिखो ही मत, जरूरत तो नहीं थी, बाकी तो सबके साथ डेट लिखी जा सकती है, सामने लिखी हुई है डेट्स। जी बेटा ये सारे कैश लो 30 जून 20 पे आ गए, ये वैल्यू इन यूज है हमारी, यानी एसेट इस्तेमाल होके इतना फायदा देगा, ये हम कह रहे हैं आज यकम जुलाई 20 पर, कि ये एसेट फ्यूचर के 3 साल में चल के हमें ये फायदा देगा, फ्यूचर के कैश लोस को यहां पर ले आए, लेकिन अभी एसेट हमारा यहां पे नहीं पहुंचा हुआ, अब या तो इस वैल्यू को 6 महीने और डिस्काउंट करके इधर ले आए या इस एसेट को 6 महीने डेप्रिशिएट करके आगे ले जाए, तो क्या पॉसिबल है, इसको तो वापस ला नहीं सकते क्योंकि ये कैश फ्लोस तो इस अरसे के हैं ही नहीं, ठीक है। हाँ एसेट ने तो इसी अरसे से डेप्रिशिएट होकर गुजरना है ना, तो हमने क्या किया, हम एसेट को 6 महीने और डिस्ट्रक्चर करके ले, ठीक है। अगली बात, ये इंजीनियर्स खड़े हैं, ठीक है, इंजीनियर्स ने कहा इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग 3 साल है, तो जब हम इस दिन पे चेंज एस्टीमेट को इफेक्टिव करेंगे, इससे पहले जा नहीं सकते ब्रेकडाउन तक लेकर आए, इसलिए मैक्सिमम आगे वापस कितना लेकर आए, ये तो स्टार्ट पर नहीं लेकर जा सके ना, लेकिन यहां जहां तक आ सके वहां तक हम आएंगे एस्टीमेट को लेकर, विद इफेक्ट फ्रॉम ईयर स्टार्ट कहते थे ना, आज विद इफेक्ट फ्रॉम ईयर स्टार्ट तो नहीं ला सके लेकिन जहां तक मुमकिन था वहां तक आए, ठीक है ना, यहां पर आए तो यहां पर तो 3.5 साल थे, तो फिर 3.5 साल पे इसको डेप्रिशिएट करके 23061 निकाला, अब ये वाला एसेट भी इधर जाके 23061 का हो गया, 23061 को हमने फिर 1926 से कंपेयर कर लिया, ठीक है। बेटा वैसे तब लेकर आते अगर यहां पर भी वो कैश फ्लोज होते, नहीं तो फ्यूचर का ही, लेकिन हम कह रहे हैं इस दिन रेडी होकर इस्तेमाल होना है, इससे पीछे तो ये इस्तेमाल ही ना हो रहा, तो कैश फ्लोज कहां से आने थे, कैश फ्लोज सर से के हैं नहीं ना, ठीक है छोड़ो। इंपेयरमेंट मतलब ईयर एंड पे ही हुई कह सकते हैं आप, हम अपने जहां पर हम खड़े हैं, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने एसेट को दिखाना है,
ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एसेट ने नजर आना है बुक वैल्यू पे या रिकवरेबल अमाउंट पे, जिनमें से जो लोअर हो। नहीं, बुक वैल्यू पे रहेगा अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो, लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाए तो फिर उस पर आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये रेंट के ऊपर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते ही नॉर्मली ये रेंट पे है, क्योंकि फाइनेंशियल्स जाने यूजर्स के पास ये रेंट पे है, ठीक है। ईयर एंड पे फाइनेंशियल्स गए तो यूजर को हमने मिसलीड नहीं करना, एक एसेट को 223.61 पे नहीं दिखाना, बल्कि उसको उसकी असल औकात पे दिखाना है। तो इसलिए इंपेयरमेंट टेस्ट एंड पे लगाकर इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर ली। जी बेटा, हाँ हाँ यार, फिर ले जाते थे, फिर ले जाते। जी बेटा बोले, ये बच्चा पता क्या कह रहा था भाई, ऑनलाइन वालों, ये बच्चा कह रहा था सर अगर 6 महीने के बीच में कैश फ्लो होते, वो 6 महीने में तो चल नहीं ना रहा, अगर 6 महीने के कैश फ्लो होते तो तुम्हें चलने वाली तकलीफ भी ना होती फिर। डेप्रिसिएशन सुनो, मतलब कि डेप्रिसिएट भी सुकून से करते, हाँ यार चल रहा है, डेप्रिसिएट भी हो रहा है, तो टेंशन ही कोई नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन बेटा यहाँ से कोई था? नहीं है क्वेश्चन, नहीं आ रहा, किसी ने क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन है क्या है कि नाच गए हो बच्चे तुम। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया। यार कुरैशी में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए यार, कितने नहीं करा नहीं रहा मैं, ऐसे ही करा दें, कुछ भी करा दें। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? अच्छा ये जरा रजिस्टर तो ओपन कर लें, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है सब बच्चे मैं देखने आ रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं किया वो क्लास से निकल जाएं, फिर अगर जरूरत महसूस करेंगे तो मैं करवा देता हूँ, रजिस्टर ओपन करें। मैंने कल होमवर्क में क्या लिखा था? 2 दिन से तुमने होमवर्क नहीं किया भाई। QSL कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? कोई मसला आया है? कोई मसला है तो पूछे मुझे, सवाल करवाने की जरूरत है तो मैं करवा देता हूं। क्योंकि देखें, हलाल तो सवाल है ही उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सवाल अटेम्प्ट किया और उनसे नहीं हुआ और मसला आ रहा है, वो तो कह सकते हैं कि सवाल दोबारा करा दें, बाकी के लिए तो हलाल ही नहीं है। मैं दूसरी टेस्ट में देखो प्लीज, एक मिनट, टेस्ट में 2 बातें नहीं थी, एक रिसीट पेमेंट ने लेटर से नहीं बनना था, दूसरा इस लाइन को हमने इग्नोर करना था, इस पॉइंट 4 को, ठीक है। ये 2 काम के अलावा कोई चीज सवाल में नहीं थी ही नहीं। अब मैंने जब ये 2 चीजें बता दी तो एक छोटी सी अर्ज की थी कि इस सवाल को आप काइंडली कर लीजिए। तो भाई अब मंडे की क्लास में अगर बैठना चाहें तो मुझे ये QSL का सवाल दिखा दीजिएगा, आज मैं PA को कह दूंगा, वो बाहर ही खड़े होकर आपको नाका लगा के अंदर आने ही तब देंगे अगर QSL का सवाल हुआ हो। और देखो सोल्यूशन मौजूद है, देख के आ जाना, देख के नोट करके आ जाना, उससे मेरी क्लास में तो बैठ जाओगे, मेरी नजरों में तो आप बड़े ऊपर चले जाओगे, वाह वाह होमवर्क करके आया, लेकिन जब आएगा तो पेपर में जाओगे और फिर रिजल्ट आएगा तो दोबारा इस क्लास में बैठे होगे। तो फैसला आपके सामने होना चाहिए, आपके पास है, ठीक है, फैसले का हक आपके पास है, आप फैसला कर लें, आपने ICAP में कामयाब होना है या यहां पे ICAP में होना है ना, इसलिए पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से मुझे गवर्नमेंट ग्रांट करा लें तो बस बहुत हो गई असेसमेंट, ठीक है। आपने क्या करना है जी, असेसमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 2 QSL कर लेना है, ठीक है। और देखो MCQs को भी जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो भी करके आएंगे, ठीक है। एक मिनट बेटा, आपके क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं, जरा मैं होमवर्क लिख लूं। असेसमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 1 MCQ। जी बेटा बोले। बेटा इसको लेटर से इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पहली कंस्ट्रक्शन पेमेंट हमारी 1 जनवरी को हो गई एडवांस की। अब ये कंस्ट्रक्शन पेमेंट जनरल लोन से हुई है, इसका मतलब यार चुप कर जाओ यार फजूल क्लास। अब जब कंस्ट्रक्शन पेमेंट 1 जुलाई 9 को हो गई है तो हम कैसे रोक सकते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, जनरल लोन से पेमेंट भी तो हो गई है, ठीक है। तो लेटर का तो उसूल ही कमेंसमेंट के लिए मैंने कहा था, स्पेसिफिक लोन के लिए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी जनरल लोन से पहले पेमेंट हो जाए, ठीक है, ये सिचुएशन किस सवाल में आई नहीं थी, ठीक है, तो इस सवाल के लिए संभाल के रखी हुई थी, जबानी बताया करता था कि एक एक्सेप्शनल केस आएगा, वो एक्सेप्शनल केस यही था कि अगर देखो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन वाला रूल जो यहां लिखते थे लेटर ऑफ वाला, वो तो था ही सिर्फ स्पेसिफिक लोन के लिए, ये तो बताया था ना, जनरल लोन पे तो ये उसूल नहीं लगता था, जनरल लोन का तो अपना उसूल था डेट ऑफ पेमेंट से सिचुएशन या ईयर एंड जो पहले हो। तो अब हमारे इस सवाल के अंदर जनरल लोन से पेमेंट पहले हो गई थी, अभी तो स्पेसिफिक लोन आया ही नहीं था, तो जनरल लोन की तो कैपिटलाइजेशन शुरू करनी थी। देखें आप अगर उसको नहीं लिखते स्टार्ट के ऊपर तो आप वो पेमेंट मिस कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप उसको लेटर डेट पे ले आते हैं, लेटर डेट कौन सी बननी थी जरा बताइएगा, 1 दिसंबर यानी कि 5 महीने बाद,
अब जब आपका जनरल लोन तो इस्तेमाल ही नहीं होना था, बल्कि आपके लेटर डेट पर तो लोन आ जाना स्पेसिफिक, आपकी पहली पेमेंट ही कहां से हो जानी थी स्पेसिफिक से, तो आपका तो जनरल के अंदर वो पेमेंट आकर वो इंटरेस्ट ही नहीं आना, तो गड़बड़ हो जाती ना। तो इसलिए भाई अगर जनरल लोन से पेमेंट पहले हो जाए तो फिर लेटर से नहीं बनाना। देखें ऐसा उसूल लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतनी एक्सेप्शनल सी बात थी कि ये जब आएगी तो सामने नजर आएगी आपको, ये चीज सामने नजर आ रही थी, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करते तो आप लेटर से कभी ना बनाते। आप कहते यार पेमेंट हो रही है कैसे मैं इसकी कैपिटलाइजेशन ना करूं, क्योंकि हाँ क्योंकि काफी सारी हो गई थी, चार हो गई थी, क्योंकि ये पेमेंट अगर जनरल लोन से हुई है तो उसका तो असूल है डेट ऑफ पेमेंट से ईयर एंड तक, इसलिए लेटर वाला काम यहाँ पे नहीं करना था। ठीक है, तो भाई एक तो लेटर डेट से इस रिसीट पेमेंट को नहीं बनाना सवाल में, और दूसरा इस लाइन को इग्नोर करना है। जैसे आईएस 16 कहता था कि जी आपकी नेगलिजेंस की वजह से अगर कोई नुकसान हो तो एसडी कॉस्ट में ना डालो, एक्सपेंस है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, ये क्यूएसएल का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में ऐड करने की इजाजत नहीं है। इंश्योरेंस वाले कुछ देंगे तो वो एक्सपेंस कवर हो जाएगा, लेकिन क्या मसला बोली जा रहा है, अब इंश्योरेंस वाले कुछ पैसे दे देंगे जैसे दे रहे थे तो वो लॉस की अमाउंट कम हो जाएगी, लेकिन है वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम ही, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होना। तो ये दो बातें थी, तो होमवर्क करके आइएगा अगर मंडे की क्लास लेना चाहें तो। हाँ वो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने सही बताया था, इसको लॉक कर दो। वही बुक वैल्यू होगी, उसी दिन रीवैल्यू हुआ है ना, तो रीवैल्यूड अमाउंट इज द बुक वैल्यू, उस वक्त कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुई। देखो बुक से निकलती है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एक्युमुलेशन, या रीवैल्यूएशन होने के बाद रीवैल्यूड अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है और फिर इंपेयरमेंट आ जाए तो उसका फॉर्मूला तो होगा लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, लेकिन ये बातें सारी लिखी नहीं ना जाती, कितनी बातें बंदा लिखे, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो होता था ना, लेकिन ये डेप्रिसिएशन डेट ऑफ परचेज से ईयर एंड तक नहीं होगी, बल्कि डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से ईयर एंड तक, एक्यूमुलेशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। अब अगर इसी दिन पे एसेट रिवैल्यू होकर साथ ही इंपेयर हो गया, जो कि होता नहीं है, लेकिन आपने सवाल पूछा मैंने बता दिया, ठीक है, अगर ऐसा हो भी जाए तो फिर डेप्रिसिएशन तो कुछ भी नहीं होगी ना, उसी दिन वाली बुक वैल्यू ही बन जाएगी रिवैल्यूड अमाउंट। बहरहाल उसूल क्या है, अगर रिवैल्यूएशन और इंपेयरमेंट एक ही दिन हो रहे हो तो पहले रीवैल्यूएशन करेंगे फिर इंपेयरमेंट, इसको लिख लो फाइनल है ये। हाँ लेकिन मैंने कहा था ना मुझे जरा थोड़ा सोचने का टाइम दो, चलती हुई क्लास में नहीं समझ में आई थी बात। अच्छा देखें ऐसा, ये थोड़ी सी बात नहीं, जो उसूल की बात लिखी इसको मैं सेकंड अगर करूं तो देखें आईएस 36 जो है, यार तुम दोनों ना खड़े हो जाओ, तुम दोनों खड़े हो जाओ, हाँ अपने साथ वाले को भी खड़ा कर दो, बल्कि पहले तो इसी को खड़ा करूं मैं, शक्ल तो देखूं मैं इसकी, खड़े हो जाओ तुम, मसला है कोई नहीं, कैसे बोल रहे तुम, एक तो बोल रहे हो ऊपर से झूठ बोल रहे हो, साथ वाले तुम भी खड़े हो जाओ भाई, तुम इस तरफ हो जाओ जरा साइड पे हो जाओ, अरे तुम मुस्कुरा रहे हो ना, तुम बच गए हो लाल शर्ट वाले तीसरे, अच्छा बोलो तो मानो तो सही कि बोल रहा हूँ, ये क्या बात हुई कि नहीं बोल रहा, बड़ी देर से बोल रहे हो आप लोग यार, ओके कोई मसला चल रहा है, कोई घरेलू मसला है, परेशानी को आपस की लड़ाई, अच्छा सुनो भाई क्या बात कर रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा था और तुम लोग बीच में पंचोचे लड़ाई था, अच्छा सुनो देखो जो आईएस 36 है ना उसकी बारी कब आती है, जब हमारे पास बुक वैल्यू होती है और रिकवरेबल अमाउंट फिर निकाल के टेस्ट लगाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके स्टार्ट ऑफ द ईयर पे एसेट की कोई पुरानी कॉस्ट थी, कहाँ के सवाल वाला भाई, और उसकी एक्यूमुलेशन भी पड़ी थी, लेकिन वो उसकी कैरिंग वैल्यू तो नहीं बनती अगर ईयर एंड पे वो रीवैल्यू हो रहा है, अगर रीवैल्यू करना है तो उसकी कैरिंग वैल्यू तो असल में वो है ही नहीं, तो पहले तो कैरिंग वैल्यू होगी फिर कंपैरिजन होगा ना, तो पहले नंबर कैरिंग वैल्यू निकालने का आता है, और रीवैल्यूएशन अगर हो जाए तो कैरिंग वैल्यू मींस लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, तो पहले बारी उसकी आएगी, वो कैरिंग अमाउंट देगा आईएस 16, तो फिर आईएस 36 आकर कंपेयर करेगा कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से। बहरहाल ये सारी बातें छोड़ो, इतना याद रख लो एक ही दिन अगर दोनों काम हो तो पहले रीवैल्यूएशन फिर इंपेयरमेंट, क्लियर है? ओके जी, हाँ शुक्र याद करवा दिया, अब अल्लाह करे अगली क्लास वाले भी याद करा दें, मुश्किल बात नहीं है तो बहुत आसान, लेकिन ये ना हो कि वहां मिस हो जाए। हाँ है सम ऑफ इयर्स रिजिट मैथड,
भाई इंट्रो का कॉन्सेप्ट है, तो इंट्रो में जैसे मैं पढ़ाया था मैं वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जर्मनी से हमने एक प्लांट इंपोर्ट किया समंदरी रास्ते से, ये काला पानी है और ये शिप है, रुख पाकिस्तान की तरफ है और ये हमारा प्लांट पड़ा है, ठीक है। हाँ पानी के ऊपर हवा में है, फजूल बातें मत करो, काम की बात मत देखना। ये जनाब कराची पोर्ट है, ये जर्मनी का पोर्ट है, यकम फॉर एग्जाम्पल यकम जनवरी 2015 को ये प्लांट फॉरेन पोर्ट से निकलता है, ठीक है, और महीना लगा लो महीना इसको, यकम फरवरी 2015 पे ये प्लांट कराची पोर्ट पे लैंड कर जाता है, ठीक है, ठीक है, सही है। अब दो डेट्स हैं हमारे पास, एक डेट वो है जिसमें एसेट फॉरेन पोर्ट को लीव कर रहा है, शिपमेंट जिस दिन हो रही है, और दूसरी वो डेट है जिस दिन ये यहां पर लैंड कर रहा है। अब दो तरह की बेसिस होती हैं, सोने वाले जाग जाएं, दो तरह की बेसिस होती हैं इस एसेट को भेजने वाले की और हम जो मंगवा रहे हैं हमारे दरमियान, दो तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। एक अरेंजमेंट को कहते हैं FOB, फ्री ऑन बोर्ड की जरूरत ही नहीं है लिखने की, चलो बारह लिख लेते हैं, फ्री ऑन बोर्ड यानी FOB बेसिस जिसको कहते हैं, ठीक है, FOB बेसिस। देखो FOB बेसिस का मतलब क्या पता क्या है, मतलब ये कि जिस दिन यकम जनवरी 15 को फॉरेन पोर्ट से एसेट लीव करेगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें ट्रांसफर हो जाएंगे, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ऑन बोर्ड इस प्लांट के बारे में। जो सप्लायर है वो ऑन बोर्ड प्लांट की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ऑन बोर्ड, ये फ्री ऑन बोर्ड है, ठीक है। यानी अगर कोई वेल मछली आ जाए, कोई बहरी कजाक आ जाए, कोई समुद्री तूफान आ जाए तो ये नुकसान हमारा है उसका नहीं, ठीक है। तो फ्री ऑन बोर्ड बेसिस अगर होंगी तो फिर परचेज विल बी रिकॉर्डेड, एसेट विल बी रिकॉर्डेड, एक ही बात है, परचेज को हम हमारी परचेज हमारा एसेट कब बन जाएगा, परचेज विल बी रिकॉर्डेड या एसेट विल बी रिकॉर्डेड, एक ही बात है ना, समझ रहे हो ना, अगर गुड्स है तो परचेजेस और अगर फिक्स एसेट है तो एसेट, ठीक है ना। तो परचेज विल बी रिकॉर्डेड व्हेन एसेट लीव्स फॉरेन पोर्ट, व्हेन एसेट लीव्स फॉरेन पोर्ट, दैट इज हमारी एग्जांपल में अगर बात करें तो ऑन यकम जनवरी 15। ठीक है, एक बेसिस होती हैं CIF बेसिस, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट भी कहते हैं इसको, कस्टम इंश्योरेंस फ्रेट भी कहते हैं इसको, ठीक है जी, बहरहाल जो भी नाम है उसको छोड़े, लिखा हुआ आता है नॉर्मली इसको CIF बेसिस कहते हैं, ठीक है जी। CIF बेसिस का मतलब ये होता है कि जो सप्लायर है वो कहता है टेंशन मत लो, तुम्हें कराची पोर्ट पे पहुंच देना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, कस्टम इंश्योरेंस फ्रेट या कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, CIF बेसिस जो है, एक याद रख लो दूसरा उसके ऑपोजिट, ठीक है। CIF बेसिस अगर होंगी तो परचेज कब रिकॉर्ड करेंगे, भाई जब हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होने हैं, यहां पर कोई भी नुकसान हो जाए रस्ते में तो हमारा नहीं है उसी का है, तो फिर हम परचेज कब रिकॉर्ड करेंगे, जब ये लोकल पोर्ट के ऊपर लैंड कर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो परचेज विल बी रिकॉर्डेड व्हेन एसेट अराइव्स, व्हेन एसेट अराइव्स एट लोकल पोर्ट, और हमारी एग्जांपल में देखें ऑन यकम फरवरी 15। तो फर्क समझ आया, डेट बदल जाती है ना, एसेट रिकॉर्ड करने की डेट बदल जाती है। और अगर ये हमारे वाले सवाल का केस देखें तो वो फ्री ऑन बोर्ड बेसिस कह देता और साथ ही वो ये कहता कि ये रीचा कराची पोर्ट पे यकम फरवरी पे, और नीचे रेट लिख देता दो एक्सचेंज के, एक लिखता यकम जनवरी का और एक लिखता यकम फरवरी का, एक्सचेंज रेट डॉलर का बदलता रहता है ना वो तो, ठीक है। और कहता बताओ किस दिन परचेज रिकॉर्ड करनी है, अब जिस दिन परचेज रिकॉर्ड करनी है रेट तो वही लेना होगा ना, तो अगर फ्री ऑन बोर्ड होगा तो यकम जनवरी 15 का रेट, और अगर CIF होगा तो यकम फरवरी 15। ये हमारे सवाल के अंदर स्पेसिफिक, ठीक है। बाहर अगर जनरल बात करें तो फ्री ऑन बोर्ड बेसिस जिस दिन एसेट फॉरेन पोर्ट से निकलेगा, या लोकल की बात करें तो जिस दिन एसेट सप्लायर की फैक्ट्री से निकल आएगा,
उसी दिन हमारी परचेज, उसी वक्त हमारी परचेज, ठीक है। और कॉस्ट इंश्योरेंस ट्रेड में जिस दिन हमारे पोर्ट पे पहुंचेगा, या लोकल की बात करें तो जिस दिन हमारी फैक्ट्री में पहुंचेगा ये एसेट, उस दिन हमारा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर ये दोनों के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का डिफरेंस है तो फिर प्राइस का भी डिफरेंस होगा, सादा सी बात, ठीक है। अगर फ्री ऑन बोर्ड बेसिस पर हमने एसेट मंगवाया है तो रिस्क लेने वाले हम हैं, इंश्योरेंस वगैरह भी हम ही करा रहे होंगे, टेंशन भी हमें ही होगी, ठीक है। तो फिर इससे हम प्लांट सस्ता लेंगे इस सूरत में। और अगर वो ये जिम्मेदारी उठाए कि ये प्लांट आपको पहुंचाऊंगा मैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो उसके ऊपर कुछ पैसे भी अपने रिस्क के ज्यादा होने की वजह से ज्यादा रखेगा, ठीक है। बहरहाल ये छोटी मोटी बातें थी जी। सॉरी भाई, एफओबी बेसिस का मतलब क्या है? बोर्ड पे फ्री है, ठीक है। तो सप्लायर ने बेशक बंदा आपको पकड़ा दिया है, लेकिन वो है गुड्स आपकी, जैसे ही सप्लायर ने आपको वो बंदा हवाले किया वो आपका एजेंट है, तो आपके भी आपसे पकड़ी हुई। बैठ जाओ भाई, सुपरा करो यार। ओके जी, मेरे ख्याल में आज का लेक्चर पढ़ ही लें। ओके, ये इंट्रो प्लस आर वन वाले हो गए, ये भी इंट्रो प्लस आर वन वाले हो गए, ये भी इंट्रो प्लस आर वन वाले हो गए, और ये आर वन वाले हो गए। टू और थ्री डिस्कस किए हैं, वन मैंने डिस्कस नहीं किया, बल्कि मैंने पूछा आप लोगों से, आपने कहा जी ठीक है सब ओके है, तो फिर मैंने डिस्कस नहीं किया। ओके, नजर आ रहा है अब असेसमेंट वन का क्वेश्चन, टू और थ्री डिस्कस हो गया है, आई एस 20 कंटिन्यू करने लगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल वन हो गई है, लेकिन चूंकि बहुत दिन हो गए इसलिए पहले क्विकली एग्जाम्पल वन करेंगे। मिटा दो भाई पल्ली सारी साइड, एक मिनट रुको, इसने पिक्चर लेनी है तो ले ले, मैं 30 तक घड़ी को देख रहा हूं, गिन नहीं रहा, यानी 30 सेकंड तक। जी हो गया पिक्चर, यही सबने मिटा दो भाई। अच्छा जी, हमारी एग्जांपल वन अब तो याद हो गई होगी हमें, ठीक है, लेकिन हम ना क्विकली इसको कर लेते हैं, ठीक है। दो तरह की ग्रांट्स होती हैं, मैं इसकी अंग्रेजी शंग्रेजी ट्री श्री जो बनाना था मैंने उसको डिले कर दिया, ये कि पहले हम सीख लेते हैं सारा कुछ, फिर उसको एक दफा समराइज कर लेंगे, क्या ख्याल है, ठीक है ना। तो हर चीज को पहले सीख लेते हैं जी। ग्रांट एसेट से रिलेट कर रही है, ग्रांट फिक्स्ड एसेट से रिलेट कर रही है, क्या मतलब? मॉनिटरी ग्रांट ही कहते हैं इसको भी, पैसे ही दिए हैं गवर्नमेंट ने, पैसे ही दिए हैं। नॉन मॉनिटरी ग्रांट भी हो सकती है, एसेट ही दे दें, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। एसेट दे दें, कोई प्लॉट ऑफ लैंड दे दें, दिस इज समथिंग एल्स। ओके, नॉन मॉनिटरी ग्रांट इज समथिंग एल्स, फिलहाल मैं मॉनिटरी ग्रांट की बात कर रहा हूं, ठीक है। पैसे दिए हैं उन्होंने, ठीक है, एसेट दे दें तो वो पैसे नहीं है, लैंड ही दे दें तो वो पैसे नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? पैसे देकर कह रहे हैं एसेट खरीद लो, पैसे देकर कह रहे हैं लैंड खरीद लो, ठीक है ना, फिलहाल उसकी बात हो रही है। तो एबीसी कंपनी ने ग्रांट रिसीव की 40 मिलियन की, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको कर दो
ऑन 1 जुलाई 2002, ठीक है जी। द कॉस्ट ऑफ स्टेशन इज 100 मिलियन एंड इट्स यूजफुल लाइफ इज 8 ईयर्स। एबीसी कंपनी एक्वायर्ड द स्टेशन ऑन 1 जुलाई 2002 एंड ईयर एंड इज 31 दिसंबर, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल वन, ये एग्जाम्पल बुक में नहीं, लेकिन इस जैसी फिर बुक के अंदर एग्जाम्पल्स हैं तो वो मैं होमवर्क में दूंगा ना, फिर एडिशनल हो जाता है काम, ठीक है ना, क्योंकि उसका सलूशन मौजूद होता है, इसका सलूशन नहीं होता। तो ये यहाँ पे कर लेंगे और फिर वहां से वो वाली एग्जाम्पल्स घर पे कर लेंगे जिनका सलूशन वहां मौजूद होगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि एसेट से रिलेटेड जो ग्रांट होती है उसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ग्रांट को अलग से डेफर्ड लायबिलिटी बनाकर रखें, ठीक है, या आप उसको एसेट की कॉस्ट में से नेट कर दें। हम ये दोनों ही ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है, दोनों ही ऑप्शंस, ओके। अब ब्लैक से मैं करूंगा ऑप्शन वन, ठीक है, ओके। अब पहले एंट्रीज करते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बना लेंगे, ओके। तो नंबर वन एंट्री क्या होगी, 1 जुलाई 2002 पर जी ग्रांट डेफर्ड ग्रांट बनानी है, ठीक है। तो कैश आया तो आपने किया कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट मीन्स लाया बिल्ली टी, ठीक है जी। तो कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कितने से, 40 से, ठीक है जी। मैं नहीं कहता कोई शॉर्टकट लगाओ, ठीक है ना, कि नेट करके ही एसेट को रिकॉर्ड करें, नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही, ठीक है, ओके। फिर 1 जुलाई 2000 आपके दिल में आएगी ना, इसी दिन तो आपने डेट लिख दी आज, पहले मैंने डेट नहीं लिखी थी सवाल में, लेकिन आप इसी दिन लिख दी है, तो आप इस दिन क्यों आप पहले रिकॉर्ड करके फिर रिवर्स कर, नहीं, आपने ऐसे ही कर रहे हैं फिलहाल, सीखने के जमाने में तो बिल्कुल भी कुछ नेट नहीं करना, ओके। ग्रांट आ गई, रिकॉर्ड कर लिया हमने, फिर प्लांट आ गया, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 100 से, ठीक है जी, ओके। अब ऑप्शन वन क्या है जी, ऑप्शन वन इज के प्लांट को डेप्रिशिएट किए जाओ और ग्रांट को भी एमर्टाइज किए जाओ, ठीक है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता एसेट को भी खत्म करो और आहिस्ता आहिस्ता इस ग्रांट को भी जो लायबिलिटी बनाई है उसको भी खत्म करो। एसेट खत्म पिघल कर एक्सपेंस बनता जाएगा, ये एडवांस इनकम पिघल कर इनकम बनती जाएगी। हजरत आप उधर क्या देख रहे हैं, खान साहब उधर क्या देख रहे हैं यार, क्या ढूंढ रहे हैं बताएं जरा मुझे, क्या ढूंढ रहे हैं? क्वेश्चन छोड़े यार, क्वेश्चन मैंने लिख तो दिया है, 40 की ग्रांट 1 जुलाई 2 को आई और 1 जुलाई 2 को ही प्लांट 100 का आ गया, ठीक है। चले अब मैं पढ़ा देता हूं आपको, कम से कम आप मेरे साथ उधर तो रहे। एबीसी कंपनी रिसीव अ ग्रांट ऑफ 40 मिलियन ऑन 1 जुलाई 2 टू एक्वायर अ प्लांट, मैंने इसको प्लांट कर दिया, वाटर क्लीनिंग स्टेशन कौन लिखे, प्लांट, ओके, सही है। द कॉस्ट ऑफ प्लांट इज 100 मिलियन एंड इट्स यूजफुल लाइफ इज 8 ईयर्स। एबीसी कंपनी एक्वायर्ड द प्लांट ऑन 1 जुलाई 2002 एंड ईयर एंड इज 31 दिसंबर, ठीक है ना। तो ये प्लांट नहीं मिल रहा था आपको, आ गया, ओके, अच्छा जी। उसके बाद भाई अब हमने कहा दो ऑप्शंस हैं, ग्रांट को अलग रखो या एसेट कॉस्ट में से डिडक्ट करो। मैं फिलहाल ऑप्शन वन पे चल रहा हूं, ऑप्शन वन की अंग्रेजी अभी नहीं लिख रहा, बस यहां पे लिख दिया मैंने, हेडिंग दे दी, मेरे पास ऑप्शन वन क्या है, रिकॉर्ड ग्रांट एज डेफर्ड इनकम एंड एमर्टाइज इट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, यूं कह दो, या यूं कह दो एमर्टाइज इट ऑन द सेम बेसिस एज एसेट इज डेप्रिशिएटेड। क्यों, जिस एसेट से रिलेटेड ग्रांट है, जैसे जैसे वो एसेट एक्सपेंस बने वैसे वैसे ये ग्रांट भी इनकम बनाओ। असल में ना गवर्नमेंट की ग्रांट के साथ रिलेटेड होती है कुछ कंडीशंस, वो अंग्रेजियां भी नहीं पढ़ाई स्टैंडर्ड की, ठीक है ना। वो ये कहते हैं कि ये हमने आपको जो प्लांट लगवाया है, ये नहीं कि आपने साल बाद इसको काट लेना और 10 साल तक यहां से हिले ना, फिर देखना 10 साल, तो हमने प्लांट की यूजफुल लाइफ 10 साल रखी और ग्रांट को भी 10 साल की लायबिलिटी बना लिया। अब 1 साल एसेट चलाया, 1 साल इनकम बना ली, 2 साल चलाया, 2 साल इनकम बना ली, ठीक है। अब जहनों में आ रहा होगा अगर बीच में हम भाग जाएं तो गवर्नमेंट वापस पैसे मांगेगी, उसकी एंट्री अभी सीखेंगे बाद में, 2 दिन बाद, आज और कल फिलहाल सीधी अकाउंटिंग तो सीख लें, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ ग्रांट का एक कॉन्सेप्ट है, वो कल भी नहीं मतलब मंडे को भी नहीं, परसों जाके इंशाल्लाह आएगा और वो आखिरी कॉन्सेप्ट होगा स्टैंडर्ड में तकरीबन, ठीक है ना। तो रीपेमेंट की बात अभी नहीं सोचनी, अभी यही समझो कि जो गवर्नमेंट ने कहा हम ताबेदार बच्चों की तरह वो पूरा करेंगे, हम उनकी बात मानेंगे, इसलिए पैसे आते ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और साथ साथ इनकम बना रहे हैं ताबेदार बच्चों की तरह, ठीक है, ओके। तो फिर 31 की जगह मैंने क्यों छोड़ी, आप ना छोड़िएगा, फिलहाल सिर्फ देखें, 31 दिसंबर 2002 आया, ठीक है, और डेप्रीसिएशन डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट करना था आपने। अब एसेट की कॉस्ट कितनी है, 100, और इसकी लाइफ बताई गई है 8 साल, लेकिन ये 6 महीने सिर्फ डेप्रीशिएट होना है, तो इनटू 6/12 जी 6.3, 6 कर लें आज, बस आज कर लें 6, अब राउंड कर दिया मैंने,
नहीं पहले दिन शायद 6.3 लिखा था ना, ठीक है अच्छा कोई नहीं उसके बाद, खैर कोई बात नहीं। 31 दिसंबर 2 को अब रोने की आवाज आएगी इधर से, ये लाइबिलिटी कहेगी एसेट को तो एक्सपेंस कर लिया थोड़ा सा, तो मेरा क्या कसूर है, मुझे भी थोड़ा सा इनकम में ट्रांसफर कर लो उतना को जितना का एसेट को किया है, ठीक है मैंने भी 8 साल में इनकम बनना है, लेकिन 6 महीने एसेट एक्सपेंस हो गया ना तो 6 महीने मुझे भी इनकम बना लो, ठीक है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये उनको भी पढ़ाना पड़ेगा इंट्रो वालों को, इंट्रो प्लस R1 वाले आपने तो पढ़ा हुआ, ठीक है ना। तो हाँ भूल गया, थोड़ी बहुत रिवीजन हमें जरूरत पड़ी तो कर लेंगे, टेंशन ना लें, टीपू वाले सवाल में करा दी थी ना लोन की, ऐसे ही करते रहेंगे आपको, आपको तो ऐसे थोड़ी थोड़ी रिवीजन जी। तो डेफ लाइबिलिटी एडवांस इनकम ये बनने जा रही है अब इनकम, अब पैसे नहीं आने, पैसे नहीं आने, ठीक है हमने इनकम रिकॉर्ड करनी है, तो ग्रांट इनकम हो जाएगा क्रेडिट, बोलो ग्रांट इनकम क्रेडिट होगा, ठीक है और डेफर्ड ग्रांट, अब पैसे नहीं आने वो लाइबिलिटी कम होगी, बिल्कुल ऐसे ही याद करो जैसे हम कहते थे कि जी हमने पैसे एडवांस में ले लिए अभी चीजें नहीं दी, हम इसकी एंट्री करते थे कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये भी तो एक लाइबिलिटी थी, ठीक है लाइबिलिटी थी बोलो। अब जब गुड्स दे देते थे तो एंट्री करते थे एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट और सेल क्रेडिट, इनकम रिकॉर्ड करते थे, ये वही काम हो रहा है कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट, एडवांस डेबिट सेल क्रेडिट, ये तो आता है ना, ये तो नहीं ना भूले, ये तो आता है ना, ठीक है अच्छा। तो ग्रांट इनकम कितनी ग्रांट इनकम बना लो भाई, 40 की टोटल ग्रांट है, सेम बेसिस यूज कर लो, हाँ मैं आज फिलहाल इस तरह से करा रहा हूँ, फिर कोई जुगाड़ वाली वर्किंग सोच लेंगे जैसे एसेट रीवैल्यू करते थे, ठीक है तो वो ऐसी कोई वर्किंग देख लूंगा अगर कोई वर्कआउट हो सकी, पहले कभी कराई नहीं लेकिन सोच में आ रही है, सेम बेसिस जो है जैसे, चलो अच्छा छोड़ो छोड़ो ऐसे कंफ्यूज ना हो जाए जी। कितना 2.5 थ्री करो फिर विद कॉन्फिडेंट थ्री करो, डेफर्ड ग्रांट जो लाइबिलिटी है वो 3 से डेबिट होकर इनकम में क्रेडिट होगी, ठीक है जी कहानी खत्म। एक ही साल आज करेंगे, ठीक है सवाल में 2 मांगेंगे लेकिन मैं फिलहाल एक ही साल करता हूं क्योंकि मेरा दिल है एक ही साल के दोनों ऑप्शंस इधर और फिर एग्जाम्पल 2 में एक्सपेंस वाली ग्रांट जो है उसके भी एक ही साल के दोनों ऑप्शंस कर लेते हैं, ठीक है चलो। अगर मैं ऑप्शन 2 की बात करूं, वो ऑप्शन 2 क्या है जी, ऑप्शन 2 ये है कि ग्रांट को अलग ना रखें बल्कि एसेट की कॉस्ट में से नेट कर, वो जो हमारे हाथ वाले सवाल में भी अप्लाई हुआ था कॉन्सेप्ट, ठीक है लेकिन वहां पे तो पीपी में तो थोड़ा सा मिक्स हुआ था ना, मिक्सचर तो थोड़ा सा ही होता है, ये तो तब है ऐसे तफसील से सवाल तो तब है मारे जाना है अब तुमने, ये तफसील से सवाल तो तब है जब सिर्फ ग्रांट का सवाल आ जाएगा, ठीक है अच्छा। 1 जुलाई को ग्रांट आई भाई, अब फर्क क्लास करना है ना हमने, 1 जुलाई 2002 पे ग्रांट आई, कैश डेबिट आज चलो अभी तो लाइबिलिटी है ना, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर दिया आपने 40, ठीक है जी। उसके बाद आपने एसेट खरीदा इसी दिन 1 जुलाई 2002 पर, आपने प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट किया 100 से। अब ऑप्शन 2 क्या कहता है, ऑप्शन 2 कहता है ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से ही नेट कर दो, तो कर देते हैं नेट जी, नेट करो इसी दिन 1 जुलाई 2000, तो मैंने इसलिए जगह छोड़ दी जरा, ठीक है ना वहां पे तो नेट नहीं किया था, यहां पे नेट कर रहे हैं, ठीक है ताकि कंपैरिजन में रहे एंट्रीज। तो डेफर्ड इनकम को खत्म करो, डेफर्ड ग्रांट को खत्म करो, ये लाइबिलिटी ना रखो यार, ये नहीं अच्छा लगता यार, 40 खत्म करो और प्लांट को ही क्रेडिट कर दो, कितने से, अब प्लांट कितने पे नजर आएगा ये देखो, ग्रांट का तो गुब्बारा पड़ गया, ठीक है हवा सारी निकल गई खत्म, 40 से क्रेडिट किया 40 से डेबिट कहानी खत्म, ठीक है। और एसेट हमारा 100 पे आया था, 40 से कम हो गया, अब 60 रह गया, ठीक है अब डेप्रिशिएट करना है नेट, ये अंग्रेजियां बाद में लिख लेंगे, जब काम करना सीख रहे तो अंग्रेजी लिख कर तो 1 मिनट के अंदर समझ आती है बात, ठीक है ना। तो अब ये देखो डेप्रिसिएशन करोगे 31 दिसंबर 2002, ठीक है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा 60 डिवाइडेड बाय 8 × 6/12, एसिडी 60 भी पड़ा, कितना आ गया 4, ठीक है जी। अब जरा देखिए इधर ग्रांट का क्या करें, वो है ही नहीं भाई, ग्रांट तो है ही नहीं, किसको एमोर्टाइज करके इनकम बनाना है, ग्रांट तो है ही नहीं, ठीक है समझ गए, इसलिए मैंने कंपैरिजन के अंदर इन दोनों को लिखा था, ओके तो ये कोई चक्कर ही नहीं है, जब ग्रांट ही नहीं है तो उसकी एमोर्टाइजेशन की क्या बात हुई, ओके क्लियर है ये बात, हाँ ये
एसेट की कॉस्ट में से नेट कर दिया हमने ग्रांट को, एसेट की कॉस्ट में से नेट कर दिया, यानी कि हमने कहा ये प्लांट ही हमें कितने में पड़ा है, 60 में, क्योंकि हमने तो 60 ही नहीं है ना, 40 तो गवर्नमेंट ने दे दिए थे, ठीक है जी। हाँ भाई, क्या किसमें था इसकी रीपेमेंट नहीं हो रही थी चंदा, जनरल लोन की पेमेंट की इधर बात ना करो, जनरल लोन की पेमेंट की एंट्री होती है लोन डेबिट कैश क्रेडिट, ये जो कैश आया है, ठीक है, ये कैश जो आया था ये कहां गया, ये यूज कर लिया कहीं भी, एसेट को 100,000 रुपया दे के खरीद लिया आपने, और ठीक है ना, वो अलग पैसे पड़े थे वो दे दिया, उसको इससे मिक्स ना करो फिलहाल, वैसे कैश पड़ा है ना 20 मिलियन आया गवर्नमेंट से, तो पड़ा है, रीपे कर दिया लोन आपने, ठीक है, लेकिन डेफर्ड लाइबिलिटी को क्या करना है, उसको एसेट कॉस्ट में कर दिया हमने, ओके जी चले आगे। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, बैलेंस शीट भी दो बनेंगी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। पहले इनकम स्टेटमेंट में ऑप्शन 1 वाली बनाता हूं, बल्कि ऊपर हेडिंग देते हैं ऑप्शन 1 इनकम स्टेटमेंट, सिर्फ एक साल की भाई, दूसरे साल की ना आपका होमवर्क है, ये दोनों एग्जांपल्स में 2001 मेरा, सॉरी 2002 मेरा, 2001 तो था ही नहीं, 2002 मेरा, 2003 आप लोगों का, ठीक है, एंट्रीज भी करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ओके जी। इनकम स्टेटमेंट ऑप्शन 1 की क्या आएगा जी, बोलो, एक तो आपको एक्सपेंसेस में और दूसरा इनकम में, अदर इनकम में आपको ग्रांट इनकम नजर आएगी, ओके, और दूसरा आपको एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आएगा, ठीक है। अगर मैं अदर इनकम और एक्सपेंसेस से हेडिंग ना दूं तो जरा जगह बच जाएगी, कर लूं, इजाजत है, यहां पे मैं लिख लेता हूं क्या जी, ग्रांट इनकम ने भी इनकम स्टेटमेंट में जाना है, ग्रांट इनकम, ये देखो ये जो इनकम है ये कहां जाया करती है, प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाती है इनकम, ठीक है, तो ग्रांट इनकम कितनी जी, 3.5 वाले 3, ठीक है। अब ये है 2002 के लिए, आप 2003 इसके आगे घर पे बनाएंगे, ओके, साथ ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी जाना है इस साल के अंदर, वो कितना है 6, अच्छा आप इसको माइनस कर दो, लिखने की हद तक क्या है, ना भी करते तो मसला कोई नहीं था, बस एक्सट्रैक्ट्स हैं ये, इनकम स्टेटमेंट पूरी नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, ओके डन, और तो कोई चीज नहीं। बैलेंस शीट में आते हैं, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स में तो एक तो हमें नजर आता है नॉन करंट एसेट्स में प्लांट, ठीक है। अब देखो प्लांट आया था 100 का, माइनस हुआ 6 का, 94 पे प्लांट नजर आएगा, ठीक है। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में आपको डेफर्ड ग्रांट नजर आएगी, पर मसला ये है कि इसमें करंट पोर्शन भी है और नॉन करंट, बात समझे हो, ठीक है ना, तो कुछ करंट और कुछ नॉन करंट है, बोलो, तो आसानी किसमें होती है, करंट को पहले निकाल लो, करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड ग्रांट। अब इधर देखो, हाँ देखो अगले एक साल में, यार थोड़ा सा इधर ले आओ ताकि वर्किंग आगे हो जाए, 3694 जी नजर आ रहा है, 3694 नजर आ रहा है, अगर आगे ले आ, प्लानिंग थोड़ी सी बदल गई, अच्छा वो हो 3-6, अच्छा जी अब इधर देखें, आसान काम है, अगले पूरे साल में देखो ना, ये अगले 8 साल में इसने इनकम बनना है, इस डेफर्ड ग्रांट ने अगले 8 साल में इनकम बनना है स्ट्रेट लाइन पे, बोलो हमें करंट चाहिए अगले 1 साल में कितनी इनकम बननी है, तो हमने कहा जी ये जो 40 की ग्रांट थी ना ये डिवाइडेड बाय 8 करेंगे ना तो अगले साल में पूरी ये कितनी ग्रांट इनकम बनेगी, कितनी 5, ठीक है। अब इस वक्त ग्रांट स्टैंड किस पे कर रही है, 40 की आई थी, 3 की ग्रांट इनकम बन चुकी है, स्टैंडिंग है 37, ये 37 में से 5, ये 37 क्या है जी टोटल लायबिलिटी, ये क्या है जी लायबिलिटी, तो ये है ना इस वक्त 3 तो इनकम में चला गया, क्लोजिंग लायबिलिटी ये है, इसमें से अगर 5 करंट है तो बाकी 32, तो ये वही 37 ही हमने प्रेजेंट किया करंट और नॉन करंट में बांट के, ठीक है। अब जब हम आते हैं ऑप्शन 2 की तरफ, आपको तो बहुत आसान लग रहा है ऑप्शन 2, पर मसला ये है कि लोगों की नजर में ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, स्टैंडर्ड तो ज्यादा दी हुई है, आप कर सकते हो, पर मसला पता है क्या है, मसला पता है, देखो क्या आना है, मसला क्या आना है, देखो 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 देखो, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट जो है
उनमें ऑप्शन टू बच्चा जी, इनमें इधर देखो ग्रांट इनकम ने नजर कोई नहीं आना, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आना है, और वो भी कितना चार। अब ये राउंडिंग की वजह से थोड़ा डिफरेंस आ गया भाई, याद है ना कल कल मैंने मैच करवाया था, परसों जिस दिन किया था ना, हाँ वो एग्जैक्ट मैच होता है, यानी ये दोनों नेट कर दें तो यही आंसर आता है। ओके ये नेट, ये सिर्फ राउंडिंग का डिफरेंस है भाई, ठीक है, नहीं तो देख घर पे आप बेशक कर लें, ये समझ आ रही है, प्रूफ किया पहले दिन प्रूफ किया था, ठीक है ना, दोनों सेम है। ओके अच्छा, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा नेट, और अगली बात बैलेंस शीट में भी सिर्फ नॉन करंट एसेट्स में प्लांट नजर आएगा, और वो प्लांट 60 माइनस 456 पे नजर आएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब इस ऑप्शन का मसला ये है, ना तो इसमें ये पता लग रहा है कि कोई ग्रांट हैवी लायबिलिटी हम पे है, ना ही इनकम स्टेटमेंट में नजर आ रहा है कि ग्रांट हमारे पास इनकम आई है, तो ये ऑप्शन है तो सही स्टैंडर्ड की तरफ से, लेकिन ये ऑप्शन इससे बेटर नहीं है, बेटर ऑप्शन इज दिस, ठीक है, ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन इसमें नजर आती है। अगला साल आपका होमवर्क है, ओके हैंडआउट अवेलेबल नहीं है अभी, मैं अभी भेज दूंगा, कोई मसला। अच्छा जी, पिछले में एग्जांपल तो एक तो है, मेरे ख्याल में शायद दोनों भी कहीं पे आई हूं, देखो भाई जल्दी से, अब अ कंपनी रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 10 मिलियन इन 2002, 2002 में कंपनी को 10 मिलियन मिले टू कवर एक्सपेंसेस फॉर एनवायरमेंटल मेजर्स टेकन बाय एबीसी ड्यूरिंग 2, 3, 4, 5 अगले चार साल में जो आपने एनवायरमेंटल मेजर्स लेने हैं ना, उन पे जो आपके खर्चे होने हैं उसमें ये हमारी तरफ से इमदाद है आपको, एनवायरमेंट का भला हो जाए, एनवायरमेंट का भला हो जाए, तो ये तो गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी होती है ना। अब आपको उन्होंने कहा आप अगर कोई एनवायरमेंटल स्टेप्स लेते हो, ठीक है, एनवायरमेंट को बेहतर करने के लिए फ्यूचर में तो खर्चे होंगे, तो हम उस खर्चे में से कुछ आपको हिस्सा दे रहे हैं, जैसे आपको घर पे अगर, आज तो मैं नहीं दे रहा, अगली एग्जांपल्स कल दूंगा होमवर्क में, ठीक है, बल्कि ले ही लेंगे आज भी, संडे आ गया ना, सुनो जैसे मिसाल के तौर पर कहें आपने जी फाटा में जाके या बलूचिस्तान में जाकर आपने एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगानी है, और वहां पे आप लोगों ने जब जाना है तो कम से कम 100 बंदों को एम्प्लॉयमेंट देनी है और अगले 5 साल तक दिए रखनी है, शर्त लगा दी गवर्नमेंट ने, ये पकड़ो ग्रांट, ठीक है। अब साथ में गवर्नमेंट ने क्या कहा, ये ग्रांट हम दे रहे हैं उन मजदूरों की तनख्वाहों की मद में, ठीक है, मतलब अगर उनकी तनख्वाह हर महीने एक मजदूर की तनख्वाह बनती है ना 20,000 रुपए, तो ये पकड़ो इकट्ठे पैसे ले लो, ठीक है, हर मजदूर की 8,000 तनख्वाह हमारी तरफ से 12 तुम दे देना, जिसको सब्सिडी कहते हैं, सब्सिडाइज करना किसी को यही होता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही मामला था, 10 मिलियन रिसीव किया इन्होंने, कुछ मैयर्स लेने थे इन्होंने, कंपनी ने स्पेंड किया 4 मिलियन 2, 3, 4 में और 2 मिलियन 2005 में, टोटल 14 मिलियन स्पेंड कर दिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट से पैसे आए इस एग्जांपल में, इससे एसेट नहीं खरीद रहे, ये है एक्सपेंसेस की मद में, एक्सपेंस जो इनकर होना है उनकी मद में ये पैसे आए, ठीक है ना, जो एक्सपेंस इनकर होना है। तो यकम मैं जुलाई रिज्यूम कर रहा हूं जी, यकम जुलाई 2002 कंपनी रिसीव्ड ग्रांट ऑफ इन 2002, डेट की जरूरत नहीं है लेकिन मैं इसको फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी ऑन यकम जनवरी कर रहा हूं, ठीक है, मेरी मर्जी, ओके यकम जनवरी कर लो, यकम जनवरी 2002 पर यही ये की एंटिटी है, ठीक है ना, ऊपर नाम भी देखो एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी ये की कंपनी है, उनको एक ग्रांट मिली थी एसेट लेने के लिए, एक ग्रांट मिल गई है उनको एक्सपेंसेस की मद में, ठीक है। तो जिस दिन ग्रांट रिसीव हुई, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 10 रुपए, ठीक है। इधर देखो ये ऑप्शन बड़ा खूबसूरत है, इसके अंदर ऑप्शन 1 हो चाहे ऑप्शन 2 हो, ग्रांट रिसीव होने पर यही एंट्री है, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 10 रुपए। फिर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आगे जाके आएगा, ठीक है, फिलहाल तो ये एंट्री समझ में आती है। अब ईयर एंड पे हमने इधर देखो ग्रांट तो रिसीव की थी 10 मिलियन, ये ना समझो तेजी है, ये तेजी का पता ही आपको, ये 3 बार मैंने ये सवाल करवाया है, तो जब तक इसका भी जूस नहीं निकलेगा हम आगे नहीं जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, आज बस वीकेंड है तो मेरी चाहत है थोड़ा सा पढ़ के जाएं, थोड़ा काम ले लें, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा जब तक आपको चीज समझ नहीं आती जान छूटती है आपकी, बस ठीक है, रिलैक्स है। अच्छा उधर देखें 10 मिलियन हमने रिसीव किया, अब खर्चे टोटल अगले 4 साल में हुए हैं 14 मिलियन, जिसमें से
2 मिलियन आखिरी साल में हुआ है और 4 मिलियन मतलब हम इस वक्त खड़े हैं 2002 में, 2003 भी है, 4 भी है, 5 भी है। वो कहता है जी आज आपको 10 मिलियन हम दे रहे हैं खर्चों की मद में। अब जाहिर बात सारा खर्चा नहीं दिया होगा, कुछ सब्सिडी दी है। अब हमने जो एक्सपेंस किया, एक्सपेंस 2002 में कितना किया, 2003 में, 2004 में टोटल कितना आ गया। अब कोई बेसिस तो हो इस इनकम को भी, इस लायबिलिटी ग्रांट को भी इनकम बनाने की कोई बेसिस तो हो, ठीक है। 10 मिलियन की ग्रांट पड़ी है, किसी ना किसी बेस पे तो इनकम बनना है। तो भाई 7 बेस मुझे तो ये नजर आ रही है, प्रोपोर्शनेट कर लो, 4/14 कर लो, फिर 4/14 कर लो, फिर 4/14 कर लो, प्रोपोर्शनेट, और फिर 2/14, सही है ना, बात समझे हो। जैसे यूं करके टोटल लिखा होता अगर, तो मैंने यूं लिख दिया बस, ठीक है ना। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है, जैसे जैसे खर्चा करते जा रहे हो, टोटल खर्चा कितना होना है 4 साल में, 14, और टोटल इसके मद में ग्रांट कितनी आई हुई है, 10। अभी रहते हैं 5 मिनट भाई, ठीक है, 10, ओके सही है। अब 10 टोटल एक्सपेंस बनना है, टोटल इनकम बननी है, और 14 टोटल एक्सपेंस होना है। तो बेसिस 4/14 × 10, 4/14 × 10, 4/14 × 10, और 2/14 × 10। हर साल में ये करोगे तो उधर से ये एक्सपेंस 14 का नजर आएगा बट के हर साल में, और वो इनकम 10 की इसी तरह से बढ़ जाएगी। एक साल कर रहा हूं, मुश्किल नहीं है, अगला तो एक आपने करना है, अगला सिर्फ एक। 31 इसमें डेप्रिशन को नहीं होती, 31 दिसंबर 2002 पर आओगे। अब इधर देखो, दो चीजें होंगी, एक आप करोगे एक्सपेंस इनकर, वो जो एक्सपेंस आपने इनकर किया वो कितना है, 4 मिलियन एक्सपेंस डेबिट। जैसे मैंने मिसाल दी मजदूरों को आपने तनख्वाह दे दी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, हो गया 4 का खर्चा। दूसरी तरफ 10 में से कुछ इनकम भी बना लो, ठीक है, कितना बना लें जी, इधर देखो, डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट यानी लायबिलिटी को डेबिट करके ग्रांट इनकम कर लो आज क्रेडिट, कितनी भाई, इधर देखो, इधर देखो, 10 × 4/14 जी कितना, 3 और 3 था, 2.85 है ना, सही है, समझे। ऐसे ही हर साल एक्सपेंस होता जाएगा और इनकम, ठीक है। इधर देखो एग्जाम्पल 1 थी, ये एग्जाम्पल 1 ऊपर चल रही है, एग्जाम्पल 2 इधर है, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट 2002। वैसे तो मुझे यहीं पे फिट कर देना चाहिए था, लेकिन मैं अलग कर रहा हूं, कंपनी जो एक ही है लेकिन जगह जरा काम है, ओके। डेवलपमेंट एक्सपेंस जो भी है कितना, 4, और ग्रांट इनकम कितनी, बैलेंस शीट के अंदर कोई एसेट, एसेट कोई नहीं है, सिर्फ क्या है, हाँ वो, लेकिन नॉन करंट भी है और करंट भी है। नॉन करंट में डेफर्ड ग्रांट आएगी और करंट में भी डेफर्ड ग्रांट, करंट पोर्शन, रेपिटेशन है ये, ठीक है। अब टोटल 10 है लायबिलिटी में, जिसमें से अगले साल में भी 4/14 इनकम बन जाएगा, 3। अब हमारे पास ग्रांट थी 10, जिसमें से 3 इनकम बन के क्लोजिंग पड़ा था 7, 7 में से 3 अगले साल बन जाएगा, तो बाकी रह गया 4। जिंदगी सुकून में भाई, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या कहता है, इधर देखो, ऑप्शन 2 यहां पर ऑप्शन देता है, वो ये कहता है अलग से एक्सपेंस और फिर इनकम रिकॉर्ड ना करो। एक्सपेंस जो रिकॉर्ड किया ना 31 दिसंबर 2 पर, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया कितना, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, अलग से अदर इनकम में इनकम दिखाने की बजाय क्या करो, इसको डेफर्ड ग्रांट को डेबिट जो किया 3 से, इनकम में डालने की बजाय उसी रिलेटेड एक्सपेंस को ही क्रेडिट कर दो, नेट में ही एक्सपेंस शो कर दो, इजी ना, ठीक है। तो ऑप्शन 2 में जब इनकम स्टेटमेंट बनेगी 2002 की, तो सिर्फ एक्सपेंस नजर आएगा, क्यों, एक्सपेंस देखो 4 से आया था, 3 से माइनस हो गया, रिवर्स हो गया, तो 1 रह गया, ठीक है। दूसरी तरफ इनकम नजर नहीं आएगी। बैलेंस शीट में जाओगे तो बैलेंस शीट में कोई एक आने का भी फर्क नहीं है। इधर देखो, मैं बगैर देखे कैलकुलेशन के, क्यों, ग्रांट वही है 4, करंट पोर्शन, यानी कि ग्रांट के ऊपर इसने ऑप्शन ही नहीं दिया, बात समझ गए, ग्रांट पर ऑप्शन नहीं देता, कहता है ग्रांट को तो आपने डेफर्ड लाइबिलिटी ही बनाना है। हां, जब इनकम बनाने लगो अलग एक्सपेंस अलग इनकम, या एक्सपेंस को ही रिवर्स, ठीक है, ये 2 ऑप्शंस हैं। इसकी पिक्चर ले लो, मैं जल्दी से बुक दिखाएं, बुक चले रहने दे, मैं पहुंच ही गया हूं।
होमवर्क लिख लें भाई, ये सारे सवाल आप कर सकेंगे इसलिए कह रहा हूं। बुक का पेज नंबर 211 है, एग्जाम्पल 1 और 2। बेटा बुक के ना पेज नंबर 211 से एग्जाम्पल शुरू हो रही हैं और चलती जा रही हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, फिर अगले सफे पे एग्जाम्पल 3, फिर अगले सफे पे एग्जाम्पल 4, बस 4 एग्जाम्पल्स हैं रीपेमेंट से पहले पहले, ठीक है। आपके नोट्स में 4 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, ये चारों आपके होंगे अपने। अल्लाह हाफिज़।